उनसे जाके बोलो प्लीज मेरे साथ एक फोटो क्लिक कराओ जब आप पूल के अंदर जाते हैं तो कौन सी सी करता है। मैं वो तीन लड़कियां बैठी है ना उनके पास जा रही हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है वो आपने क्या किसको तंग करा मैंने? पानी कैसे डाला आपने मेरे ऊपर? पानी कैसे डाला आपने? चैलेंज बहुत ही अलग, बहुत ही मस्त, मतलब बिल्कुल ही यूनिक होने वाला है। आपने ऐसा चैलेंज देखा नहीं होगा क्योंकि हमने ऐसा चैलेंज कभी किया ही नहीं है। आज का चैलेंज है ट्रुथ और डेयर इन पब्लिक प्लेस, मतलब हम यहाँ से जाने वाले हैं गार्डन के अंदर, पब्लिक में बैठ के आपस में ट्रुथ और डेयर करेंगे और फिर जिसका ट्रुथ आएगा तो ट्रुथ बताना पड़ेगा, डेयर आएगा तो डेयर करना पड़ेगा। बहुत ही मजेदार होने वाला चैलेंज, फर्स्ट टाइम हम चैलेंज पब्लिक में करने जा रहे हैं, सबके बीच में चैलेंज करेंगे, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। चलो चलो चलो, मेरी बात तो सुनो यार, बाहर इतनी धूप है तो आप लोगों ने कोई सनस्क्रीन लगाई है कि नहीं? कौन सी सनस्क्रीन? रियली आप लोगों ने कोई सनस्क्रीन नहीं लगाई? आपको पता है समर्स के अंदर सनस्क्रीन कितनी जरूरी है, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर स्किन केयर रूटीन। आप रुको मैं आप सबके लिए सनस्क्रीन लेकर आती हूँ। हे गाइस लुक मैं क्या लेकर आई, वाओ का सनस्क्रीन मैट फिनिश SPF 55 एंड SPF 35। मम्मा पर सनस्क्रीन वाओ की क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन अनन्या। बेटा वाओ का सनस्क्रीन मैट फिनिश हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम UVA एंड UVB रेज एंड पोल्यूटेंट्स। इट इज वेरी रिच इन विटामिन ए सी एंड ई व्हिच प्रिवेंट्स द स्किन डैमेज बाय न्यूट्रलाइजिंग द फ्री रेडिकल्स एंड यूवी रेज। अब मैं आप सबको दे रही हूँ, आप सब इसको इवनली स्प्रेड करेंगे अपनी स्किन पे। वाओ मम्मा ये तो बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। इट इज नॉन ग्रीजी एंड बहुत इवनली स्प्रेड हो जाता है हमारे स्किन पे एंड एक ट्रांसपेरेंसी शील्ड बना लेता है विच प्रोटेक्ट्स आवर स्किन फ्रॉम द यूवी रेज। इट हैज नो पैराबेंस, नो मिनरल ऑयल्स, नो सिलिकॉन। इट इज एब्सोल्युटली मेड इन इंडिया। और सबसे बेस्ट बात बताओ, इट हैज रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट एंड एवोकाडो ऑयल। गाइज इट इज सुपर। तो फ्रेंड्स आप भी इसको परचेज कर सकते हैं बाय वाओ, नाइका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और वाओ की अपनी वेबसाइट भी है। और तो और आप कोड यूज करिए रमनीक सिंह और आपको 30% ऑफ मिलेगा बाय वाओ पर। गाइज लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके गाइज तो लेट्स स्टार्ट द चैलेंज, लेट्स गो। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हमारी चैलेंज की लोकेशन पे, मतलब कि ट्रुथ और डेयर चैलेंज जैसा कि हम करने वाले हैं। तो गाइस ये दो पर्चियां इन पब्लिक गाइस, तो पब्लिक दिखा दे भाई, पूरी पब्लिक दिखा दे। ओके तो गाइस यहां पे खचाखच भरा हुआ है, आज संडे है और हम कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क के अंदर है। तो ये पर्चियां बन चुकी हैं ट्रुथ और डेयर की। तो अभी हम लोग टीम डिवाइड करने वाले हैं, तो टीम के बाद हम लोग चैलेंज शुरू करेंगे। तो मेरी टीम में कौन कौन है भाई? मुझे कमेंट करके बताइए कि किस किस को पता हमारी अब टीम्स क्या है। हाँ हमारी टीम फाइनल है गाइस, हम तीनों की टीम है और इन दोनों की टीम है। तो हम एक दूसरे को ट्रुथ और डेयर चैलेंज करने वाले हैं। तो पहले तुम मेरे को दो। ठीक है मैं ये बोलना चाहती हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, आई एम स्ट्रॉन्ग, वी आर स्ट्रॉन्ग, हम लोग जीतने वाले हैं। यिप्पी हो गया। ओके लेट्स दिस वन डेयर। तो गाइस तुम मुझे क्या डेयर देने वाले हो? गाइस एक ना बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज करने वाली हूँ मैं ना घर से लाई हूँ कुछ पेग्स, चिमटियाँ जिसे बोलते हैं, निकालो सियान बैग में से निकालो। आज इनको अपने तीनों के चेहरे पे वो पेग्स लगा कर, काफी सारे पेग्स लगा कर यहाँ पर जिनको मैं पॉइंट करूंगी उनके पास जाके उनको बोलना है प्लीज हमारे साथ एक फोटो खिंचा लो प्लीज। गाइस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके, अगर आप पब्लिक में कर रहे हो इट्स डिफिकल्ट यार, इट्स नॉट। लो पेग्स दिखाओ, मेरा एक छोटा सा एक खजाना है, बहुत सुंदर सुंदर वाले क्यूट चीज है, कपड़े वाले भी नहीं लाई हूँ, देखो इतने सुंदर सुंदर लाई हूँ। चलो शुरू हो जाओ सारे। दर्द हो रही है, जल्दी करो। गाइस ये इनकी थीम सेट हो चुकी है, नाउ आई एम गोइंग टू गिव देम
आप वो सर्कल देख रहे हैं जिसमें ग्रीन कलर का कुर्ता पहना गर्ल ने और सारे लड़के आसपास हैं। चलिए रमी, यू नीड टू गो टू देम एंड उनसे जाके बोलो प्लीज मेरे साथ एक फोटो क्लिक कराओ प्लीज। ओके, वी विल डू इट, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। हम लोग डरने वाले नहीं है, हम ये चांस जीतेंगे कुछ भी हो जाए। आप जैसे भले आदमी को इसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। YouTube पे आएंगे। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है, उठा ले रे बाबा उठा ले। नहीं फोटो कहीं क्या चैनल क्या होगा, चैनल तो बताओ, बताएंगे पहले फोटो की। एक फोटो यार, एक फोटो, ऐसे बोल नहीं सकते तुम यार। ये चीटिंग कर रही है, ये मना कर रही है उनको। ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होगा। हमारा कंप्लीट होता है और फर्स्ट राउंड हमने कंप्लीट कर दिया। लेट्स सी अब ये क्या करते हैं। तो फाइनली गाइस, मेरा मुंह में इतनी दर्द हो रही थी मैं आपको बता नहीं सकता, बट फाइनली हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है। तो अब इनकी बारी है। अनन्या मुझे पर्चियां दो एंड यू चूज सियान, इनको चूज करा। It's a dare again. तो मेरे साथ अगर किसी ने गलत किया, इनकी डेयर है, इनकी डेयर है कि इनको रैंडमली किसी बंदे के पास जाना है, उसको उससे पंगा लेना है और उसके ऊपर पानी की अपनी बॉटल से पानी फेंकना है उसके ऊपर। तो इनकी डेयर ये है गाइस, बहुत ही मजा आने वाला है। हाँ जी, वो बंदा मेरे पल्ले पड़ जाएगा, बहुत मजा आने वाला है गाइस। मैंने पता क्या सोचा था, मैं चुपचाप जाऊंगी, हाथ जोड़ दूंगी, भैया जी थोड़ा सा पानी डलवा लो प्लीज। नहीं, मैं कोई पहले बहस करनी है। नहीं, चलो 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 जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करो। काउंटिंग शुरू करा रॉबर्ट। गाइस ये रही पानी की बॉटल। गाइस मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है। ओके, ये रमणीक ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आई एम नॉट लाइकिंग इट। चलो चलो जल्दी करो, लेट अस सी, देखते हैं तुम्हारे में कितने गट्स हैं। किसके पास जाऊं? अरे किसी को रैंडमली पकड़ो भाई, जाओ जल्दी 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 शुरू। अगर किसी ने मुझे कुछ बोला ना, मैं बता रही हूँ रमणीक। अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा, करो करो चलो। क्या बात हो गई, किस पर तंग कर रहा हूँ? क्या बात नहीं दिया है? क्या हो रहा है? वो आपने क्या किया था ना, किसको तंग करा मैंने? पानी कैसे डाला आपने मेरे ऊपर? समझ रहे हो? अरे भाई साहब प्रैंक कर रहे हैं, भाई साहब वीडियो बन रही है, भाई साहब यहाँ आप हमारा प्रैंक वीडियो यहाँ पे वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है प्रैंक वाले। अरे ये देखो भाई साहब, पूछो हम वीडियो बना रहे हैं, पहले वीडियो बना रहे हैं भाई। पिटते पिटते बचे हैं, मतलब कि कमाल हो गया यार, इससे बढ़िया मतलब मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मतलब हमारा सबका यार ये फर्स्ट टाइम था लाइफ के अंदर कि मैंने पानी डाला और उल्टे मुंह भागी भागी। ओ भाई, सारे बंदे वहां पर चढ़ने को हो रहे थे कि यार उस बंदे पे चढ़ जाओ यार, हमें बहुत डर लग रहा था, बहुत ही मस्त मजा आया, फर्स्ट टाइम था यार। आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला जो स्पेशली ये वाला प्रैंक कैसा लगा। तो अब बारी है नेक्स्ट प्रैंक की, नेक्स्ट राउंड की, अब हमारी बारी है। ओके चलाए, चूज करेगी। हाँ तो आप कॉन्ग्रेट, ठीक है ना? हाँ, सब चलो, चलो, चलो करो मैडम। ये वाला ठीक है भाई, दिखाओ। ओके, तो ये है ट्रुथ। अब ट्रुथ मतलब कि हमें बताना है, तुम्हें बताना है। अरे आपको बताना है, आपको उसका आंसर देना है। अच्छा अच्छा, तो अब हमें अपनी जिंदगी की ऐसी सच्चाई बतानी है जो कि बहुत ही हमने अभी तक बताई नहीं है किसी को। तो पूछो भाई, आप तीनों में से मुझे सच सच बताएंगे, जब आप पूल के अंदर जाते हैं तो कौन सी करता है?
गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जल्दी बोलो यार, ये स्विमिंग पूल के अंदर कौन सुसू करता है? मैं नहीं करता। सच्चा बंदा मेरे घर में यही है, सबसे झूठे ये है। जल्दी बोलो रमी। गाइस मैंने नहीं किया है कभी। चल झूठा, ये कहते रहे चलो भैया इसने एक्सेप्ट किया है, इसने किया है तो सियान ने किया है, तो हम ये वाला राउंड अपना सच्चाई से जीते हैं क्योंकि हम सच्चे बंदे हैं यार। I give it to them, only for him, okay? Only for him. Answer. Okay, तो यार अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है, अब इनकी बारी है, देखते हैं कि ट्रुथ आता है कि डेयर आता है। तो मैं कर रहा हूँ इस बार, तूने किया था लास्ट टाइम, तूने किया था, इस बार मैं कर रहा हूँ। नो ये देखो, ये प्लान खत्म ही कर रहे हैं, और सारे मिल के हमको पागल बना रहे हैं। ये मेरी बारी है गाइस, इस बार मैं करूंगा, ये लो बॉस करेंगे यार, ये नहीं मेरे को करने देगा। घुस जाओ इसके अंदर तभी नजर आएगा। ये लो, ये वाला भाई, ये वाला, ये देर आ गया। ये इस बार हम इनका बैंड बजाने वाले हैं गाइस। मैंने इनके लिए डेयर सोची हुई है कि इनको जाना है रैंडमली किसी भी ग्रुप ऑफ, मतलब कोई भी तीन चार लोग जो भी खड़े होंगे, उनको जाके बोलना है कि इनके साथ डांस करें, और ये डांस करेंगे उनके साथ। मतलब मेरा जुलूस निकलवा दो तुम यहाँ पर पूरे ग्राउंड में, है ना? गजब बेइज्जती है गाइस, बहुत मजा आने वाला है। चलो इनको जाके डांस करना है, बहुत ही मजा आएगा यार। आप लोग भी डांस करना, हम भी डांस करेंगे। किसके पास जाना है जल्दी बोलो। यू कैन चूज गाइस, मैं कुछ नहीं बोल रहा किसके पास जाना है, आप चूज करो। मैं भाई इधर आओ कैमरामैन, मैं वो तीन लड़कियां बैठी है ना उनके पास जा रही हूँ, ठीक है? चलो गाइज, मैंने इनका लिहाज किया है कि मैं अलाउ कर रहा हूँ कि लड़कियों के पास चले जाओ, बिकॉज ये खुद लड़की हैं, लड़कियां शायद मान जाएंगी, लड़के होते तो इनका अलग जुलूस निकलती। करेक्ट बोला रे, मैं इनके साथ भी ट्राई कर सकती हूँ। ट्राई कर लो आपको। हाय, हेलो, आप हम दोनों के साथ थोड़ा सा डांस करोगे? नहीं प्लीज गाइज, इनको बोलो ना। ओके मतलब ये तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा, और पहली पार्टी से ही हो गया। अरे बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस, वेल डन। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ ज्यादा ही डेयरिंग हो गया है, मतलब हमने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये पब्लिक प्लेस पे आके किया है, सारी दुनिया हमें देख रही है, हमें मजा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है, और आई डोंट नो कैसा लग रहा है भाई। गाइस मैं जब आई थी आई वाज सो नर्वस कि बॉस कोई ना कोई मेरे पल्ले पड़ जाएगा, बट आई फील सो कॉन्फिडेंट, गॉड्स ग्रेस, मैं जिनके पास भी गई वो एक बारी में मान गया, मेरी इज्जत रह गई। हमारी गुड लक रही है कि हमें जो भी बंदे मिले अच्छे बंदे मिले, एंड हमारा कोई भी ऐसा सीन दिक्कत नहीं हुई है। वो पानी वाला लड़का थोड़ा सा जरा गुस्सा कर गया था, उसके आसपास वाले लोग उसके ऐसे घूर के देखते थे, मैंने कहा बेटा ये तो पिटा, लेकिन हमने उसको भी संभाल लिया था, वो भाई भी मान गया। गाइस बहुत ही मजा आया, बहुत ही जबरदस्त प्रैंक रहे हैं, और ट्रुथ भी किसने डिक्लेयर किया? ओ ये इस भाई ने ट्रुथ अच्छा बताया अपने बारे में। तो यार आप लोग कमेंट करके बताना कि हम ऐसे और कौन कौन से प्रैंक करें, डेयर करें, ट्रुथ करें, क्या करें, आई डोंट नो, जो भी आप कहोगे यार, हम लोग कमेंट आपकी पढ़ते रहेंगे, हम लोग देखेंगे कौन सा वीडियो आप चाहते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को हिट लाइक कर दो, और फिर वीडियो को हिट लाइक हिट लाइक हिट लाइक। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। सियांस बर्थडे सेलिब्रेशन लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 ब्लॉग्स पे। गाइस इस बार कुछ अलग ही मजा आया, इस बार मेरा अलग बर्थडे हुआ। वीडियो देखने के लिए क्लिक 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 क्